हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का फ्यूचर टेंस बताने जा रहा हूँ। और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि ये है क्या। फ्यूचर टेंस यानी आने वाले समय को हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। जो समय आएगा, जैसे मैं जाऊँगा, वे लोग खेलेंगे, तुम गाओगे, वे लोग टहलेंगे, यानी जो समय अभी बीता नहीं है न अभी प्रेजेंट है, यानी जो समय आने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर टेंस का भी चार भेद होता है। जैसे पहला आता है फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर, दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट या उसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस फ्यूचर, कंटिन्यूस टेंस। तीसरा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हर एक टेंस का अपना एक अलग अलग रूल और रेगुलेशन है, जिसको कि रूल और रेगुलेशन के द्वारा ही हम टेंस को पहचान सकते हैं कि ये जो है इस टेंस का है, ये इस टेंस का है, ये इस टेंस का है। ठीक है, जैसे जैसे आप चलते हैं प्रेजेंट, ये क्या कहते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं, यानी हिंदी क्रिया के अंत में गागेगी आदि लगा रहता है। तो इसका रूल और रेगुलेशन क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद सेल या विल का प्रयोग करेंगे दो में से किसी एक का, उसके बाद भर्व का पहला रूप देंगे, भी या भी वन भी लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिसीजन लेना है कि सेल और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। सेल का प्रयोग सामान्य तौर पर सेल का प्रयोग होता है आई वी के साथ, सेल का प्रयोग होता है, और जो है यू ही सी इट नेम के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। ये हमारा सामान्य नियम है, यानी जनरल रूल है। लेकिन कहीं कहीं जनरल रूल के बनिस्पत कुछ अपवाद भी होता है ना। तो इसमें अपवाद क्या है कि यदि आई के साथ जो है यहाँ पर सेल लगता है, और यदि कोई भी प्रतिज्ञा हो यानी निश्चित हो, ठीक है, कि एकदम कन्फर्म है कि कुछ भी हो हमें ये काम करना ही होगा, तो उसमें सेल के जगह पर आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे एज पर एग्जांपल लेते हैं कि मैं घर जाऊँगा, आई सेल गो होम, ये हो गया जनरल वाक्य। ठीक है, मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो होम। और यदि हम कहें कि मैं अवश्य घर जाऊंगा, यानी कन्फर्म है कि जाना ही जाना है, तो वहां पर हम आई विल गो होम जब देते हैं तो सेंटेंस पर इम्प्रेशन पड़ता है, यानी कि वो परफेक्ट है कि कुछ भी हो उसको ये काम करना है। वैसे स्थिति में आई के साथ जो है विल का प्रयोग होता है, ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में मैंने जान लिया। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट प्लस सेल या विल लगाएंगे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब चलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में, यानी कंटिन्यूस टेंस, यानी जो जो कि काम लगातार हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेल वी या विल वी का प्रयोग करेंगे, सेल वी या विल वी का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। अब देखो यहाँ भी हमें ध्यान देना है कि सेल वी और विल वी का प्रयोग कहाँ करेंगे। और तो फ्यूचर टेंस में सामान्य रूप से एक ही नियम है, जब सिंपल फ्यूचर में हम सेल या विल का प्रयोग किए तो उसी तरह से कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस में भी सेल वी या विल वी का प्रयोग सेम उसी तरीके से करेंगे, यानी कि आई वी के साथ सेल वी का प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ सेल वी का प्रयोग करेंगे, और यू ही सी इट नेम के साथ विल वी का प्रयोग करेंगे। सेम वही है, सिर्फ सेल के साथ यहाँ पर कंटिन्यूस में बी अटैच हो जाता है। तो एज पर एग्जांपल हम देते हैं आई सेल बी गोइंग टू हाउस। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है। अब चलते हैं, जैसे यहाँ पर कि सेल भी लगा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है, यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का
है, उसका आईडी क्या है, उसके सेंटेंस में शैल बी का या विल बी का प्रयोग होता है। इसी के द्वारा हम जो है सेंटेंस को पहचान जाते हैं कि ये कौन सा टेंस में है। जब तक टेंस को हम पहचानेंगे नहीं, तब तक उसको आइडेंटिफाई करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं बना सकते हैं, जैसे वॉइस, नरेशन, पंचुएशन, कुछ भी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए टेंस जो है हम लोगों के जीवन के लिए यानी विद्यार्थी लाइफ के लिए ऐसे फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए हमें कोई भी फॉर्मूला, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते 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 बहुत सारे फार्मूले आ जाते हैं, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर का मेन बेस है टेंस। जिसको टेंस परफेक्ट रूप से याद होगा वो ग्रामेटिकल इरर या ग्रामेटिकल कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर लेगा। बेस हमारा यही है। अब चलते हैं, ये क्या कहते हैं थर्ड पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर इसका आईडी है, आईडी तो इसका चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी आदि यही लगा रहता है। अब चलते इसका रूल पर, इसमें सब्जेक्ट रहता है प्लस शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं प्लस भीतरी प्लस ओ, ठीक है, शैल हैव या विल हैव। और इसका नोट भी वही है कि आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं यू ही सी इट नेम के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव गोन टू स्कूल, यहाँ पर गोन जो है हमारा भीतरी रूप है, यानी कि शैल हैव और विल हैव के साथ यदि भीतरी लगा हुआ हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पर, फोर्थ हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, दो में से किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखना है नोट में क्या, आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और यू ही सी इट नेम के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं फॉर सिंस, फॉर सिंस का प्रयोग मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि पीरियड ऑफ टाइम, समय का अवधि रहने पर फॉर का प्रयोग। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दो दिनों से, चार महीनों से, दस वर्षों से, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया। और सिंस में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का बिंदु रहने पर, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे दो बजे से, सोमवार से, जनवरी से, या क्या कहते हैं 2019 से, हाँ इस तरह से यदि पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल है आई शैल हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, ठीक है। ये टेंस का हमारा परफेक्ट ज्ञान है, इसे जो है हमें जो है एज ए दर्पण की तरह ब्रेन में बैठा लेना है, उसके बाद ग्रामर पोर्शन में घुसना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अधिकांश विद्यार्थियों को क्या होता है, टेंस का ज्ञान होता नहीं है, वो जाकर के ग्रामेटिकल एरर में जाकर के अटक जाता है। तो ऑटोमेटिक है, जब तक आपको फर्स्ट स्टेप आपको आता ही नहीं है तो आप फोर्थ स्टेप को कैसे पढ़ लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को है फर्स्ट स्टेप को सही रूप से जाना, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।